कुछ दिन से अपने देश में हवा चली हुई है कुछ ठगों की, जहां देखो वहां दिख जाते हैं। यूट्यूब के होम पेज पे, ट्रेंडिंग पेज पे, फेसबुक पे, लोगों के जुबां पे, आखिर है कौन लोग ये? हाँ भाई, मैं जब ठग शब्द सुनता हूँ ना, अपने दिमाग में बस एक ही चेहरा याद आता है। और जहां तक ठगों की बात ही है, तो दुनिया में बस एक ही ठग है, और वो है Gentlemen, my lady, you will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow, एक फनी idiot, अजीब सा ठग, पर बहुत ही शातिर। कैप्टन जैक स्पैरो बस एक पायरेट ही नहीं है जो बीच समुद्र में भटकता रहता है, बल्कि वो एक जादूगर है जो किसी भी परिस्थिति को अपने चतुराई के साथ जीतना जानता है। वो तुम्हें तुम्हारी खुली आंखों के सामने भी अंधा बना जाएगा। ये तुम उसके सामने हो ना, तो चाहे कितनी भी सतर्क हो जाओ, अपनी पूरी 5 सेंसेस यूज कर लो, हो सके तो छठी भी, फिर भी वो तुम्हें बेवकूफ बना ही देगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्टन जैक स्पैरो की, और जानेंगे ऐसी 5 चीज़ें जो हम उसके पर्सनैलिटी से सीख सकते हैं और अपने आप को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। पहली चीज़ जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकते हैं वो है कि ही लव्स बींग लॉस्ट इन द सी। वो समुद्र में ही खोए रहना पसंद करता है। हम लोग सभी के जीवन में ज़िंदगी जीने का एक रीज़न होता है। किसी को ये करना है तो किसी को वो करना है, मुझे वीडियोज़ बनाने हैं, और हम सब बस लगे पड़े हैं। मेरी मानो तो ये एक बहुत ही सेल्फिश तरीका है जीने का। हमारी हर एक कदम इसी ख्वाहिश में होती है कि कैसे हम अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर लें। लाइफ में एम्बिशन ज़रूरी है लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए, पर हकीकत यह है कि ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आता है जब हम ज़िंदगी को जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए जीते हैं। जब आपको रिजल्ट से ज़्यादा अपने काम में मज़ा आता हो। जैक स्पैरो के भी एम्बिशंस हैं। उसे कभी ब्लैक पर्ल चाहिए तो कभी फाउंटेन ऑफ यूथ, पर अल्टीमेटली उसे चाहिए फ्रीडम। उसे बस समुद्र में ही रहना पसंद है, समुद्र की खुली हवा में ही सांस लेते रहना पसंद है। वो किनारा का भूखा नहीं है। बाकी मूवी में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अचीव करना रहता है। किसी को कर्ज हटाना है, किसी को अपने लवर से मिलना है, तो किसी को स्लेवरी से छुटकारा पाना है। पर जैक स्पैरो इन सब चक्कर से दूर रहता है। उसके लिए उसका पहला और आखिरी प्यार समुद्र ही है। उसके लिए डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी इम्पॉर्टेंट है, गोल से ज़्यादा एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीखते हैं वो है कि हिज कॉम्पस डजंट पॉइंट नॉर्थ। उसकी कॉम्पस कभी भी नॉर्थ की ओर पॉइंट नहीं करती है। यदि आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी है तो आपको जैक स्पैरो के उस खराब कॉम्पस के बारे में तो पता ही होगा। वो कोई मामूली कॉम्पस नहीं है। उस कॉम्पस से आप कभी भी सही डायरेक्शन की ओर नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन की ओर नहीं बल्कि आपको आपकी डायरेक्शन की ओर ले जाती है। आप दिल से जहाँ जाना चाहते हो उस ओर इशारा करती है, चाहे वो रम के लिए ही क्यों ना हो। Compass does not point north. Where does it point? It points to the thing you want most. मतलब ये है कि हमें जो सोसाइटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो ना करके उन चीज़ों को करना चाहिए जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आपका दिल लगता हो। क्योंकि आपको उस चीज़ की ही सबसे ज़रूरत होती है जिस चीज़ को आप इंजॉय बहुत करते हो, क्योंकि आप उन चीज़ों में ही अपना बेस्ट दे सकते हो। तीसरी चीज़ है ही लुक्स फुलिश एंड फनी। वो हमेशा बेवकूफ़ और बुद्धू ही दिखता है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जैक स्पैरो की जिससे सब धोखा खा जाते हैं, सब इसके झांसे में आकर गलती कर बैठते हैं। कभी कभी लोग उसे हल्का और मामूली समझ कर वो चीज़ें भी बता देते हैं जो उन्हें बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जितना ही वियर्ड और स्टूपिड दिखता है वो उतना ही तेज और शातिर है। स्टीव जॉब्स की एक बड़ी अच्छी कोट है कि स्टे हंगरी एंड स्टे फुलिश, और मुझे लगता है इस कोट को कोई सही में फॉलो करता है तो वो है कैप्टन जैक स्पैरो। क्योंकि आप जितना ही हम्बल और ग्राउंडेड रहोगे आपके लिए दुनिया में उतना ही कुछ सीखने को बाकी रहेगा। स्टे हंगरी एंड स्टे फुलिश लाइक कैप्टन जैक स्पैरो। चौथी चीज़ जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीखते हैं वो है कि वाई टू फाइट वेन यू कैन नेगोशिएट। जब जुगाड़ है तो लड़े क्यों। कुछ यंग लोगों में ये गलत परसेप्शन है कि फिजिकल पावर होने से आप सुपीरियर फील करते हो। थोड़ा कुछ होगा नहीं कि वो बैल की तरह लड़ना शुरू कर देंगे। उन्हें लगता है कि शरीर में जितना ताकत हो उतना ही आप सोशल हायरार्की में ऊपर हो, सोसाइटी में आपको उतना ऊँचा दर्जा मिलता है। भाई, आज के डेट में दुनिया की जो सबसे पावरफुल जगह है ना, वो है सिलिकन वैली, और वो 100% ब्रेन पावर पे बेस्ड है। और पायरेट्स की दुनिया में जो सबसे पावरफुल है वो है जैक स्पैरो, क्योंकि वो भी अपना दिमाग का ज़्यादा यूज़ करता है।
आप देखोगे मूवी में बहुत रेयर ही केसेस में जैक स्पैरो अपना तलवार निकालता है। उसके पास हजार तरीके हैं सामने वाले को झुकाने के लिए बिना तलवार निकाले। We should turn and fight. Why fight when you can negotiate? All one needs proper leverage. आपकी सबसे पावरफुल चीज है आपकी विट, बुद्धि, इंटेलिजेंस। इसलिए अपना दिमाग का यूज करो, बॉडी का नहीं। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम जैक स्पैरो से सीखते हैं वो है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, नेवर बी वरीड। ये कोई नई बात नहीं है जो हम सिर्फ जैक स्पैरो से ही सीखते हैं। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग सब कहते हैं, सब जानते हैं, पर हम में से कितना है जो इस चीज़ को फॉलो करता है? फ्रेंकली ये इतनी ईजी भी नहीं है फॉलो करना। जब लगी पड़ी हो ना तो मुस्कुराना तो दूर, खाना भी नहीं खाया जाता है। पर जैक स्पैरो के गर्दन पे भी तलवार होना तो भी चिंता की एक लाइन उसके चेहरे पे नहीं आती है। वो चाहे कितने भी बुरे से बुरे सिचुएशन में हो, डेंजरस सिचुएशन में हो, वो वहाँ से भी अपने बिंदास स्टाइल से ही बाहर आता है। जब आपको लगता है कि आपने उसे पकड़ लिया, वो तभी फुर से गायब हो जाता है। वो लास्ट सेकेंड में ही अपना एक्शन दिखाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि चिंता करना किसी चीज़ की सल्यूशन नहीं है, उल्टा चिंता करके आप और भी फंस जाओगे। जैक स्पैरो हमेशा ही मुस्कुराता रहता है और इससे उसके दुश्मन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसे सिचुएशन में भी मुस्कुरा क्यों रहा भाई। तो ये थी पांच चीज़ें जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकते हैं। ऐसी पांच चीज़ें मैंने जोकर पे बना रखी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो भी देखनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपने क्या सीखा जैक स्पैरो से कमेंट में बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप कप्तान जैक स्पैरो के फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।